सब्सक्राइब करें हमारे ऑलिमन चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले इससे ये होगा कि मैं कोई भी अपना नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा फ्री में। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडो पे जो भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो उसको आप जल्दी से मिनिमाइज कैसे कर सकते हो या फिर जल्दी से आप दूसरे एप्लीकेशन पर कैसे जा सकते हो। तो एग्जांपल में मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये नोटपैड मैंने ओपन कर लिया दोस्तों। अब इसको आपको जल्दी से मिनिमाइज करना है तो आप क्या करोगे, आपको टास्क बार पर जाना है। टास्क बार पर आपको राइट क्लिक करके शो द डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते जितनी भी एप्लीकेशन आपके ओपन आएंगे सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन ओपन कर लिया, आप जल्दी से आपको मिनिमाइज करना है तो आपको टास्क बार पर राइट साइड में आपको एक छोटी सी लाइनिंग दिखती है, वो शो द डेस्कटॉप का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पर सर्कल से मैं शो कर रहा हूँ, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो सभी के सभी मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। और जब शो करना हो तो इस पर आप दोबारा क्लिक कर दोगे तो ये सभी के सभी एप्लीकेशन शो हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से करने के लिए आपको कीबोर्ड से आपको दो बटन प्रेस करना होंगे। पहला नंबर है एल्ट प्लस टैप। जब आप एल्ट प्लस टैप प्रेस करोगे तो अभी जो इस एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे हो उस एप्लीकेशन को छोड़ के वो दूसरे एप्लीकेशन पे ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे चला गया। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं अल्ट टैब के बटन से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।